जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान सीईटी स्नातक परीक्षा 2024, यानी कि अभी तक आपने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों, तो अब आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि सभी साथियों को एक ही समस्या सताई जा रही थी कि साहब इसमें तो नेगेटिव मार्किंग हो गई, हम तो पास ही नहीं हो पाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे कम फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म ही बहुत कम भरे जा रहे हैं। इसको देखते हुए बोर्ड ने अब क्या कर दिया है, नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। आलोक राज जी का ट्वीट आ चुका है साथियों कि अब सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी फॉर्म भरें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, पूरी जानकारी को समझेंगे। उनका जो ट्वीट आया है वो भी मैं आपको यहीं पर स्क्रीन पर ही दिखा दूंगा और सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। लास्ट डेट अभी बची हुई है, जो भी साथी फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। अब आपके लिए खुशखबरी है साथियों, क्योंकि अब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को तो 40% बनाना है, फिक्स है, और जो एससी एसटी है उसको 35% बनाना है, वो फिक्स हो चुका है। तो अब आपको फॉर्म भरना ही चाहिए, ठीक है साथियों। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से जो ताजा खबर आई है, न्यू अपडेट आई है, उसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, देख लेते हैं भाई। देखो ये है राजस्थान सीईटी स्नातक फोरम 2024, अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। जी हां साथियों, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर में। चाहे आप पूरे के पूरे प्रश्न करो, सही होंगे जो जुड़ जाएंगे, गलत होंगे जो पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। सभी करें आवेदन। ताजा खबर, पटवारी, ग्राम सेवक, हॉस्टल वार्डन, कनिष्ठ लेखाकार, इन भर्तियों में ये काम आएगी साथियों तुम्हारी सीईटी स्नातक, ठीक है। पटवारी की भर्ती आ रही है, ग्राम सेवक की आ रही है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, उस भर्ती में भी सीईटी स्नातक मांगी जाएगी। हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती में सीईटी स्नातक मांगी जाती है, एक सीईटी 12वीं वाली होती है। कनिष्ठ लेखाकार में भी सीईटी मांगी जाएगी स्नातक वाली। तो सभी साथी इसमें फॉर्म जरूर भरें, महिला पुरुष दोनों के लिए है। अब साथियों ऑनलाइन आवेदन शुरू है, 9 अगस्त से ही फॉर्म चल रहे हैं, लास्ट डेट 7 सितंबर 2024 रहने वाली है। तो आप सभी साथी 7 सितंबर का इंतजार ना करें, पहले ही आप अपना फॉर्म चेप दें भाई, ठीक है साहब। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के तो 40% है, एससी एसटी के 35% में ही आप पास हो जाओगे, ठीक है ना जी। अब ये भी चिंता खत्म हो गई, ठीक है साहब। अब बात करते हैं ऑफिशियल ट्वीट की, उसमें भी हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं जो आलोक राज जी ने जो कहा है, उसको हम बिल्कुल आपको अच्छी प्रकार से समझा देते हैं। देखो जी ये रहा उनका ट्वीट, ये आपको कहां पर मिलेगा भाई, ये आपको मिल जाएगा साथियों टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जो भी साथी हैं जो टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को आप सभी साथी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, क्योंकि यहीं पर आपको ये पूरा का पूरा प्रूफ मिल जाएगा। देखो जी आलोक राज जी का ये ट्वीट है, मेजर आलोक राज जी ने क्या कहा है, सीईटी स्नातक के सभी कैंडिडेट्स से फिर अनुरोध है कि शीघ्रता से अपने ऑनलाइन फॉर्म भरें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। लास्ट डेट पर कई बार वेबसाइट हैंग हो जाती है, ऐसे में सुना इस बार लास्ट डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो कृपया शीघ्र ही सीईटी का फॉर्म भरें भाई, ठीक है। ये तो आई है लास्ट डेट से संबंधित भाई, लास्ट डेट थारी कौन बढ़ेगी, बरनो वे तो भरी लो भाई जल्दी सी करके, फिर बाद में हैंगांग हो जाएगी थारी, ठीक है। अच्छा साहब अब और बात करते हैं सीटी को लेकर के। देखो भाई आलोक राज जी ने कहा है, सीईटी एग्जाम के संदर्भ में अभी तक मिले बहुत सारे फीडबैक, ऑनलाइन फोरम्स की अभी तक भरी हुई संख्या में कमी, यानी कि साथियों बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं इनके पास में कि साहब ये नो नेगेटिव मार्किंग करो, नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे साथी फोरम ही नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए संख्या में कमी है, फोरम ही नहीं भर पा रहे हैं तो संख्या में कमी होगी भाई, ठीक है साहब। विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट्स की सफल असफल होने की संभावनाओं के विश्लेषण के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया है कि
कि सीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए, विज्ञप्ति शीघ्र जारी होगी। जी हाँ साथियों, बहुत सारे वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो सफल और असफल होने का डर सता रहा है। ऐसे सोचते हैं कि अरे के करांगा सीटी में फार्म भर के, अब तो नेगेटिव मार्किंग ठोक दिया, बिना मतलब में फार्म भरांगा 600 रुपया लगेगा, 400 रुपया लगेगा, हैं पास भी कौन होगा, के मतलब रहेगा फिर, छोड़ो कौन भरा, या सोच कराने फार्म भी कौन भर रहा, कमी आ गई फार्मा में भरी कौन रहा। अब बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि सीटी में जो है नेगेटिव मार्किंग उसको हटा दिया जाएगा, यानी कि अब तुम्हारे नो नेगेटिव मार्किंग होगी। जो भी भाई बहन फॉर्म नहीं भर रहे थे, इस डर को लेकर के परेशान थे कि सब सीटी में तो नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ो डर ने खत्म कर दिया, अब तो सीधा आपको फॉर्म भरना है, ई मित्र पर जाना है, फॉर्म को लगाना है। जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनकी 600 रुपये फॉर्म फीस है, और भैया बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनकी 400 रुपये फॉर्म फीस है, ठीक है जी। जो नॉन क्रिमिलियर में आते हैं उनके 400 रुपये ही लगेंगे भाई, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी, सभी साथी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, अब आप पूरा का पूरा पेपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्के मारो ओड़े सोड़े कुछ भी मारो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 40% भी बनेगी और 35% भी बन जाएगी भाई, ठीक है। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो भी भर लीजिएगा, ई मित्र पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी ताजा खबर, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।